Hello.
श्री राम जय राम जय जय राम।
मंच पे विराजित प्रातः स्मरण सदैव पूजनीय सहृदय कपालु सद्गुरु महाराज श्री राम रामदास जी महाराज और माता के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस प्रांगण में उपस्थित प्रत्येक देव प्रतिमा को नमन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यकरणी देव जी को नमन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंगेश्वर स्वामी अभेशानंद गिरी जी को वंदन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए ये आज के विषय में प्रवेश करते हैं। एक शाम सदगुरु के नाम। सदगुरु का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? परमात्मा किसी के ऊपर कृपा बरसाता है तब उसके जीवन में सदगुरु का प्रवेश होता है। गुरु को चुनना हमारे बस की बात नहीं है। हम यदि गुरु चुनेंगे तो हमारे जैसा चुनेंगे, लेकिन परमात्मा की कृपा होती है तो किसी के जीवन में गुरु बनता है, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। आइए, गुरु क्या हो सकते हैं, गुरु क्या होते हैं, गुरु कैसे होते हैं, कैसे जाना जाए, कैसे गुरु की कृपा को जीवन में महसूस किया जाए, इस पर चर्चा करें। इसके पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी आपको आज के प्रसंग में भी काम आएगी और आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। ध्यान से सुनिएगा। हमारे शास्त्रों में ऐसी चर्चा आती है कि एक बार श्री कृष्ण जी की धर्म पत्नी रुक्मणी जी को ये सूचना मिली कि नदी के किनारे उस पार एक संत आए हैं और उन संत को भोग लगाया। उनके लिए कुछ पकवान उन्होंने तैयार किए और संत को समर्पित करने के लिए रुक्मणी जी जाने लगी तो उन्हें पता लगा कि नदी में बाढ़ आई हुई है और जा नहीं सकते और संत को भोग लगाना, संत भूखे होंगे। तो रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मुझे उस पार संत जी को भोग लगाना है, प्रसाद अर्पण करना है और नदी में बाढ़ है तो नदी उतर नहीं रही, नाव चल नहीं पा रही, क्या किया जाए, आपको रास्ता बताएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी जी से कहा एक काम करना, नदी के पास जाना और यमुना जी से कहना, मां यदि वो उस किनारे पे जो संत हैं और जिनको मैं प्रसाद चढ़ाने जा रही हूं, यदि वो सदा से उपवासे हो, उन्होंने सदैव उपवास किया हो तो मार दे, तो दे देंगे। तो पति ने कहा तो रुक्मणी जी चली और रुक्मणी जी सोचने लगी कि यह कौन सी बात है, अगर मैं ये कहती हूं कि सदा से उपवास करूं तो मैं तो खुद ही भोग लगाने जा रही हूं उनको। और पति ने कहा है तो नदी के पास गई, हाथ जोड़ा और उन्होंने कहा मैं उस पार उस संत हैं उनको प्रसाद चढ़ाने जा रही हूं, भोग देने जा रही हूं और यदि वो सदा से उपवास में हो तो उनके प्रताप से मात्र मुझे मार दे। और यमुना जी को मार दे दिया। वो किनारे पहुंच गई, संत जी को प्रसाद चढ़ाया, उन्होंने भोग पा लिया। अब चलने लगी तो उनको याद आया कि नदी में तो फिर बाढ़ तो जाऊंगी कैसे, उधर तो पति ने सलाह दे दिया कि हाँ कौन। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपको भोजन कराने आई थी, आपको मैंने भोग लगा दिया पर नदी में बाढ़ है तो आप बताइए अब मैं वापस कैसे जाऊंगी। तो उस संत ने कहा कि आप नदी के पास जाके बोलना यमुना जी मेरे पति का यदि अखंड ब्रह्मचर्य हो तो मार दे देना। अब अरे रुक्मणी ने बोला उधर से आई भोग लगाने, तो पति ने कहा कि सदा उपवासा हो
और अब तो ये भी सवाल नहीं उठता, मैं तो भोग लगा के आ रही हूँ और अब ये मेरे पति के लिए मुझसे कह रहे हैं कि अखंड ब्रह्मचर्य हो तो मार्ग दे दे। पर संत की वाणी थी तो विश्वास कर लिया, पति की वाणी पे विश्वास करके इस पार आई, संत की वाणी पे विश्वास किए, यमुना जी के सामने खड़ी हुई और यमुना जी से कहा, यदि ऐसा संत जी ने कहा है कि यदि श्री कृष्ण जी का ब्रह्मचर्य अखंड हो तो मुझे मार्ग दे दो, यमुना ने मार्ग दे दिया। अब रुक्मणी जी जो चिंतित हो गई, उन्होंने अपने पति से पूछा कि ये क्या झंझट आपने डाल दी, जब मैं गई तो मैं भोग लगाने जा रही हूँ, आपने कहा कि सदा उपवास रहो संत तो मार्ग दे दे और नदी ने मार्ग दे दिया, और जब मैं रोटी तो संत ने मुझसे कहा कि अखंड ब्रह्मचर्य पति का तो मार्ग मिल जाए और मिल गया, ये क्या मामला है। और कृष्ण जी ने जो बात रुक्मणी जी से कही वो किसी भी सदगुरु के लिए हमारे समझने की बात है। कृष्ण जी ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी संतों के दिव्य पुरुषों के आचरण में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। गुरु को देखने के लिए, संत को देखने के लिए कुछ अलग भाव चाहिए, कुछ अलग दृष्टि चाहिए, तब जीवन में गुरु को पहचान पाओगे। ऊपर ही ऊपर टिके तो गुरु नहीं मिलेगा, हाथ से चल जाएगा। ये जो कहानी है ये हमारे बड़े काम की। आज जब हम एक शांत सतगुरु के नाम में प्रवेश कर रहे हैं, इस पर विचार करेंगे, इस भाव भूमि पे अपने को स्थापित करिए और फिर विचार करिए। हमारे एक संत हुए हैं चरण दास जी, गुरु क्या करता है जीवन में, थोड़ा सा गुरु जी के महत्व की चर्चा करें और फिर भगवान श्री राम के जीवन में कौन कौन गुरु आए थोड़ी उनकी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन पहले गुरु तत्व की, गुरुदेव क्या होते हैं, संत क्या होते हैं, इस मार्ग पे थोड़ी चर्चा करें। तो सबसे पहले हम विचार करें एक चरणदास नाम के संत हुए। एक बार उससे किसी ने पूछा कि चरणदास जी आप स्वयं संत हैं, आपको अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, तो आपको अपने गुरु से क्या मिला, आपके गुरु ने आपको ऐसा क्या दिया कि आप संत बन गए, जरा हमें भी बताइए। चरणदास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। चरणदास जी ने कहा, मेरे गुरु ने मेरे पर एक कृपा की है। और चरणदास कहते हैं, मेरे गुरु ने मेरे पर क्या कृपा की, तो कहते हैं चरणदास गुरु कृपा की ही। चरणदास के ऊपर गुरु ने क्या कृपा की कि उल्टी गड़ी मोरी नयन को गई। इसका अर्थ है गुरु ने देव पर कृपा की कि मेरी जो नैन की पुतली थी वो लड़ गई, मतलब मेरे देखने की दृष्टि को बदल दिया। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, दृष्टि का बदल जाना। जिस दृष्टि से मैं दुनिया और संसार को देखता था, बस गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी तो मुझे दुनिया कुछ और देखने लग गई। पहले मैं कुछ और देखता था। गुरु सबसे बड़ी कृपा ये करते हैं कि आपके भाव को, आपके बोध को जगाते हैं, आपकी दृष्टि पलटते हैं। इसका बड़ा महत्व है। एक गुरु शिष्य का नाता आपने कभी सुना हो, गीता में जब गीता का आरंभ हुआ और अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो कृष्ण जी ने उत्तर देने के पहले मौन रहे। गीता पढ़िएगा कभी, अर्जुन खुद ही बोलता है बहुत देर तक। तो अर्जुन तो बड़ा ज्ञानी आदमी था, आप गीता के आरंभ के प्रश्न पढ़े तो आपको ऐसा लगेगा कि अर्जुन कृष्ण जी को गीता सुना, इतने ज्ञान की बात करने लगा, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा, और कृष्ण जी चुपचाप रहे। जब अर्जुन खुद ही बोल लिया और खुद ही उलझ गया, तब अर्जुन ने कृष्ण जी से एक बात कही, शिष्य ते अहम शालिमान त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं। हे कृष्ण जी, आप मुझे शिष्य के रूप में ग्रहण करें और मुझे बताएं कि ये क्या उलझन होगी। जब उसने ये कहा कि मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, तब भगवान गुरु बने। याद रखिएगा, जीवन में कोई भी ज्ञान शिष्यत्व के बिना नहीं आ सकता। तो अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्थापित किया, स्वयं शिष्य बने, तब भगवान ने गीता सुनाई, उसके पहले अधिकारी नहीं हुआ। तो शिष्य भाव है, शिष्य एक फल है, शिष्य एक अनुभूति है, शिष्य होना एक समर्पण की पराकाष्ठा है,
उसके मेरा शिष्य नहीं हो सकते। और जैसे उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनता हूं, तब भगवान ने उससे कहा ठीक है अर्जुन, अब मैं तुझे तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न करके वो बाहर कर। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि जैसे उसने का शिष्य है तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले गए और जो भी बातचीत चल रही थी आगे बढ़ी। धृतराष्ट्र को संजय ये बात सुना कि जैसे उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनता भगवान हंसे तो ना अब मैं तुझे ज्ञान मांगता। एक बार भगवान ने ये कही गुरु और शिष्य के नाते के बीच में और गीता जब आरंभ हुई तो प्रसन्नम लिखा भगवान मुस्कुरा दिए और भगवान ने एक सूत्र की बात हमें बताई कि जिंदगी में कुछ भी करो और अगर भक्त हो तो बहुत जरूरी है सदैव मुस्कुराइए। भगवान सुबह मुस्कुराइए, शाम मुस्कुराइए, घर में मुस्कुराइए, बाहर मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। हमने आप ही लोगों से कहा जरा मुस्कुराइए मुस्कुराने में आदमी इतना कंजूस हो जाता है। आप बताइए तो भक्त की पूंजी है मुस्कुराहट। एक बात याद रखिएगा भक्त कभी नीरस नहीं हो सकता। आप मुस्कुराइए आपके भीतर आनंद रहेगा और इतनी कीमती चीज आदमी बचा के चलता। हम लोग तो घर गृहस्थी के लोग हमने देखा होगा हम लोग मुस्कुराहट कितनी बचा के चलते। संसार भर में घूमे के बाजार में अपने काम धंधे में मुस्कुराते रहेंगे लोगों को देख के और घर आए और आदमी सीरियस हो जाता बिल्कुल नहीं मुस्कुराओ। मैं तो सबसे एक बात पूछता हूँ कहीं भी जाता हूँ भाई साहब लोगों से साथ ज्यादातर ये पूछता हूँ कि आप घर आते हैं अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह जब उठते हैं तो उठते ही अपने परिवार के प्रथम सदस्य का जिसका भी चेहरा देखें चाहे जीवन साथी हो कोई बच्चा हो कितने लोग ऐसे हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले जिसका चेहरा देखते हो उसको देख के मुस्कुराते हैं कितने लोग भाई साहब लोगों से पूछते हैं सुबह उठ के सबसे पहले भाभी जी को देखें तो जरा मुस्कुराओ तो भाई साहब हम बोलते हैं इसको देख के कौन मुस्कुरा क्यों बोले माथे चढ़ जाए आदमी को लगता है अपने घर वाली को देख के मुस्कुरा तो हो भाई लोगों से पूछो आप मुस्कुरा भाई साहब को देख के तो भाभी बोलते सारा रोना तो इन्हीं का इनको देख के कौन आदमी अपनों को देख के नहीं मुस्कुरा। अरे इतनी महंगी चीज एक बात याद रखिए जिस क्षण आप मुस्कुराते हैं परमात्मा आपकी ओर चलने लगता है भगवान का फायदा है उसने मुस्कुराए भगवान के दरबार में बैठे हैं गुरुदेव उनके आशीष में बैठे हैं उनके अनुग्रह में उपस्थित हैं। आदमी के जीवन में इस स्वभाव के क्षण बड़ी मुश्किल से आते हैं तो भक्त के चेहरे की कभी मुस्कुराहट नहीं लाना चाहिए। देखिए मुस्कुराते आदमी अपराध नहीं कर सकता मुस्कुराते आदमी क्रोध नहीं कर सकता पर जिस क्षण आप मुस्कुराते हैं आपका अहंकार बर्फ के गोले की तरफ पिघल जाता है और अहंकार भक्त का दुश्मन है। इसलिए भक्त सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए अपनों से मुस्कुराइए गैरों से मुस्कुराइए सुबह मुस्कुराइए शाम मुस्कुराइए घर में मुस्कुराइए बाहर मुस्कुराइए लेकिन जब भी मुस्कुराइए जरा मुस्कुराइए आपसे कहा मुस्कुराइए। आइए आगे चलते हैं मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान ने अर्जुन से कहा मैं तुझे गीता का ज्ञान दूंगा तुझे भ्रम हुआ है कि युद्ध करने पे तू अपने ही लोगों को मार डालेगा। तो भगवान ने गीता में अर्जुन से एक बात कही दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम। भगवान कहते हैं मैं तुझे दिव्य चक्षु देगा। देखिए यहां भी वही बात है गीता के आरंभ में शिष्य बनते ही गुरु कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कह रहे हैं मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। कौन सी दृष्टि? तू दिव्य दृष्टि तुझे वो दृष्टि दे रहा हूं जिससे तू स्थितियों को समझ ले। तुझे आज ऐसा लग रहा है और अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में रथ लाके भगवान से कहा ये मेरे रिश्तेदार हैं इनको मैं मार डालूंगा ये वीर हैं दुनिया में मन संकट का फैल जाएगी संसार का क्या होगा और इतनी सारी बातें कहीं भगवान हंसे। भगवान ने कहा अरे तू तो ऐसी चिंता पागल जैसे दुनिया तू चला चलाने वाला मैं और फिक्र तू किए जा रहा है। तब भगवान ने कहा देख मैं तुझे दृष्टि देता हूँ तू देख तुझे तू कुछ करने वाला नहीं और भगवान ने विराट रूप दिखाया और विराट रूप के पहले दृष्टि दी। अगर गुरु से दृष्टि प्राप्त न हो तो परमात्मा का विराट रूप नहीं देखता। भगवान ने उससे कहा मैं तुझे दृष्टि देता हूँ
और इसके लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता हो जाती है मनुष्य को, क्योंकि उसके बिना परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। तो भगवान ने आंखें दी है। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा है, आरंभ में 5 सोल्टे लिखे तुलसीदास जी ने, बड़े सुंदर जय जो सुमिरत सदी होई कल नायक कलियुग बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुंदर सदन, मोह होई वाचा पंगु चढ़ई गिरी वरगन, जांस प्रभास हो दया रहो सकल कलिमन धन, नील सरोवर श्याम करुण अरुण बारी जनन करो सोम धाम सदा चिर सागर से, कुंद हिंदु सोते हमार मन करुणाए, जाहि दीन पर ने करो कृपा मर्दन नयन। गणेश जी की, शिव सागर में विष्णु जी की, भगवान शंकर की स्तुति की आरंभ में। लेकिन पांचवा सोठा जब रामचरित मानस के आरंभ में तुलसीदास जी लिखते हैं तो अलग ही बात लिखते, बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर देगा। अंतिम पांचवा सोठा लिखते हैं तो बंधु लिखते हैं, अंतिम सोठे में गुरुदेव की वंदना की है। पहले भगवान की वंदना करते समय नहीं लिखा, पर गुरुदेव की वंदना करते समय लिख रहे हैं महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर देगा। दो बातें इसमें आई है, गुरु के चरण को और उनके वचन को तुलसीदास जी अपने तरीके से बता रहे हैं। आपके चरण कमल की तरह है और आपकी वाणी सूर्य की किरण की तरह, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। और इससे महामोहतम पुंज जासु मोह रूपी अंधकार मिट जाता है। देखिए गुरु क्या करते हैं, मनुष्य के जीवन में जो मोह आ जाए तो गुरु उस महामोह को दूर करते हैं। और लिखा है आपके चरण कमल की तरह, आप जानते हैं कमल में एक विशेषता होती है, पानी को ये लगता है कि कमल मुझसे जुड़ा है, पर सच तो ये है कि कमल पानी से अस्पृश्य होता है, अलग होता है। और कमल कब खिलता है, जब सूर्य की किरणें आती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं आपके चरण गुरुदेव कमल है और आपकी वाणी सूर्य की किरण है, तो गुरुदेव के लिए कहा गया है कि गुरुदेव जैसी वाणी बोलते हैं वैसे उनके चरण होते हैं, इसी का नाम संत है। संत द्वारा आचरण नहीं करते, और गुरु की वाणी से हमारे भीतर का मोह का अंधकार चला जाता है। तो पांचवे सोरठे में वंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। एक बात और, आपके रामचरित मानस पढ़े तो तुलसीदास जी जब अयोध्या कांड का आरंभ करते हैं तो तुलसीदास जी अयोध्या कांड में एक बार फिर वंदना करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निजवन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर केवल जस जो गायक फल जा श्री गुरु चरण सरोज। और यही आगे वंदना क्रम में वंदना बढ़ाते बढ़ाते वो फिर कहते हैं वर्ण गुरु पद पद्म बराबर, वापस गुरुदेव के जनों की वंदना कर रहे हैं। रामचरित मानस कभी पढ़िएगा, सूरज सुभाष आपकी आपकी चरण की धूल कैसी, उसमें सुगंध है सरस अनुरागा, वो सरस है। यहां फिर दो बात कही, ध्यान से सुनिएगा, गुरु के चरण के रज को गुरु के पैर की धूल की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं गुरुदेव आपकी पैर की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ, और दूसरी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं आपके पैरों की धूल का अंजन बना के मैं आंख में लगाता हूँ, मेरी दृष्टि दिव्य हो जाए। अब बात तो बड़ी उल्टी है, धूल होती तुच्छ, धूल को कोई पसंद नहीं करता, और धूल को दर्पण पे से हटाया जाता है तो चेहरा दिखता। और तुलसीदास जी उल्टी बात कह रहे हैं कि मैं धूल से ही दर्पण को साफ कर रहा हूं, धूल को तो साफ किया जाता, और सामान्य व्यवहारिक जीवन में यदि धूल आंख में गिर जाए तो देखना बंद हो जाता है। पर ये कह रहे हैं धूल का मैं अंजन बना के काजल बना के आंख में लगाऊंगा तो मुझे देखने में लगेगा। देखिए धूल है तुच्छ, पर तुलसीदास जी कह रहे हैं धूल यदि गुरु के चरण से गिर जाए तो वो वैसी दिव्य हो जाती है जैसे शंकर के शरीर पे चढ़ी भस्म दिव्य हो जाती है। इसलिए गुरु के चरण का बड़ा महत्व है, गुरु के चरण की रज को आज भी लोग मस्तक पे इसीलिए लगाते हैं कि है तो धूल पर गुरु के चरण का प्रताप होता है कि उससे वो धूल मिलते आंखों का अंजन बन जाएगी और आपके दर्पण को साफ करने का माध्यम बन जाएगी। आइए ये गुरुदेव के महत्व की चर्चा कर रहे हैं, फिर हम गुरु पात्रों में प्रवेश करेंगे। ऐसा बचाव किया जाता है, गुरुदेव की कितनी बड़ी कक्षा है। आपने रामकथा की घटना सुनी होगी, जब शंकर जी पार्वती जी को राम जन्म के कारण सुना रहे थे
पार्वती जी कथा सुन रहे, राम जी उनको शंकर जी पुराण कथा सुना रहे, तो राम कथा सुनाते सुनाते राम जन्म के कारण जब बता रहे थे, तो शिव जी ने कारण बताया कि एक बार नारद जी ने भगवान श्री नारायण जी को शाप दिया। ये बात सुनाई और आपने शायद कथा भी सुनी होगी कि नारद जी ने गड़बड़ कर दी थी, एक स्वयं पर चले गए थे तो भगवान से कहा आपके जैसा सुंदर चेहरा तो भगवान के कारण का चेहरा देखिए, ऐसी कथा सुनी। तो जब भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं, पार्वती जी के गुरु थे नारद जी ने गुरु मंत्र दिया था पार्वती जी, तो अपने गुरु की कहानी आई तो सुनने लग गई। और जैसे ही उन्होंने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी ने श्राप दिया नारायण जी को, तो सुनते ही पार्वती जी बोलती है एकदम सुनो का अपराध नमा कारण कवन शाप मुनि दीना। पार्वती जी अपने पति से तत्काल प्रश्न पूछ रही है कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति दीना, क्या उल्टी बात पूछ रही है, वो क्या कारण है जो नारद जी ने शाप दिया, क्यों का अपराध रमापति दीना, नारायण जी ने ऐसा क्या अपराध किया था कि मेरे गुरु को शाप देना पड़ा। अरे शिव जी ने बोला जानती बचाती कुछ नहीं अपराध किया नारद ने, पर बातचीत में चूंकि गुरु थे तो गुरु का बचाव करके पार्वती बोलती हैं अपराध किया हुआ तो नारायण ने किया हुआ, मेरे गुरु नहीं कर सकते, उसकी का अपराध रमापति की ना, गुरु का शिष्य इतना बचाव करता है। भोलेनाथ मुस्कुराए, फिर भगवान ने पूरी घटना सुनाई, मनुष्य के गुरु से जुड़ जाता तो गुरु की कक्षा से धीरे धीरे भगवान के संग मिले। तो पार्वती जी भाव है, ये जो मैंने आपको घटना सुनाई ये एक भाव है, भक्त किस भाव से जुड़ जाता है, भाव पैदा हो जाता मनुष्य के भीतर। इसलिए गुरु हमसे ये कहते हैं परमात्मा तक पहुंचने का मैं मार्ग बताऊंगा, चलना आपको पड़ेगा। आइए हम भगवान श्री राम के माध्यम से आज इस विषय में चर्चा करें। हम भगवान श्री राम और रामदास जी के आश्रम में बैठे, आज भगवान गुरु और शिष्य की अनेक परंपरा है, कृष्ण जी के गुरु में है और अवतारों के गुरु है, पर आज हम श्री राम अवतार के गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु क्या करता है मनुष्य के जीवन में, देखें कि दृष्टि बदल देता है, मैंने आपसे आग्रह किया और ये सारा दृष्टि का खेल है। अच्छा हमने संसारी लोग तो हम संसार को अपनी दृष्टि से अपने गणित से अपने हिसाब से चलाते हैं, चाहते भी ऐसा ही चले, मनुष्य का स्वभाव होता है, और हम संसार के सारे रिश्तों को भी अपनी दृष्टि से देखते हैं और गुरु दृष्टि बदलते हैं, हमारे रिश्तों के प्रति हमारी दृष्टि अलग हो जाती है। अभी तो स्वार्थ की दृष्टि है, फिर परमार्थ की दृष्टि दे देता है गुरु। हम सारे संसार के ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ के हिसाब से चलाते हैं, आदमी अपने गणित से चलाते हैं। आपने कभी घटना सुनी हो, एक आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई तो रोने लगा, तो लोग समझाने आए तो रोना ही बंद ना करे, अरे लोगों ने बोला भाई ठीक है आप बहुत स्नेह करते हो रोना तो बंद करो, रो बंद ही करे रोना, लोगों को बड़ा आश्चर्य। तो लोगों ने पूछा भैया तू इतना क्यों रो रहा है, तो उसने बोला ऐसा है कि 4 साल पहले मेरे दादाजी का निधन हो गया, मैं रोया तो मोहल्ले भर के बूढ़े लोगों ने आके बोला चिंता मत कर हम सब तेरे दादा जैसे हैं। 2 साल पहले मां मर गई तो मोहल्ले की सारी बूढ़ी आई कि तू डर मत तू चिंता मत कर हम सब तेरी मां जैसी है। 2 घंटे से रो रहा हूं, ऐसा होता है, ये आदमी का स्वभाव है, आदमी संसार के रिश्तों को ऐसे गणित से चलाता तो ये ठीक है। वो जो चरणदास जी कह रहे हैं उल्ट दीन मुनि नयन रुदैया, भगवान रिश्तों के प्रति स्वार्थ को हटा के गुरु रिश्तों में परमार्थ डाल देता है। ये तो हम संसार में अपने गणित से चलते हैं तो गुरु जीवन में आते गणित भी बढ़ जाता है। भगवान श्री राम के जीवन में जितने गुरु आए आप सबकी भूमिका तो देखिए, गुरु क्या नहीं करते हैं मनुष्य जीवन। अब भगवान श्री राम के जीवन में उनके पहले गुरु वशिष्ठ थे, फिर विश्वामित्र आए,
फिर जब रंग गमन हुआ तो उन्होंने तीन गुरुओं से तीन तरह के प्रश्न पूछे थे। उन्होंने पहला प्रश्न भरद्वाज जी से पूछा, फिर वाल्मीकि जी से पूछा और फिर अगस्त जी से पूछा। ये पांच संत गुरु के रूप में आए और इन पांच संतों की बातचीत हम प्रतीक के रूप में करेंगे और हम ये जानेंगे कि गुरु क्या करते हैं मनुष्य के जीवन में, गुरु कैसे किसी का निर्वाण करके परिवर्तन कर देते हैं। श्री राम जी ने अपने आचरण के माध्यम से, अपनी लीला के माध्यम से हमको ये बताया। श्री राम शिक्षा और विद्या दोनों के पक्षधर। श्री राम ने कहा था मनुष्य का जीवन शिक्षा से आरंभ हो और विद्या के समाप्त हो। शिक्षा शिक्षक देता है और विद्या गुरु देता है। केवल शिक्षित मत हो जाइएगा, केवल शिक्षित तो आप संसार में बड़े बड़े घूमे, अच्छे अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट में आदमी शिक्षित हो जाता है, पर जो केवल शिक्षित रह गया वो जब सफल होता है तो कभी उसका एकांत देखिए वो दुखी का दुखी नजर आता है। नहीं, जीवन में विद्या की आवश्यकता, तो शिक्षा से ऊपर की कक्षा है और वो केवल गुरु देते हैं। शिक्षित लोग सुखी हुए होते तो फिर क्या था? हम तो आजकल अपन लोग तो सबको देखते हैं, जिस बच्चे को पेट्रोल में जावा केजी वन में आप बच्चे को भर्ती कराइए, नर्सरी में केजी वन में क्लास वन में, स्कूल का अपने स्कूल बैग का होमवर्क का ट्यूशन का जितना टेंशन उस बच्चे को रहता है उतना ही टेंशन जब वो हायर सेकेंडरी ट्वेल्थ में आ जाता है तो नए करियर पे रहता है, उतना ही टेंशन जो कोई इंजीनियरिंग डॉक्टर किसी परीक्षा में पढ़ता है तो समापन पे रहता है, और उतना ही टेंशन किसी कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ होने के बाद तब भी उतना ही बना का बना रहता है तनाव, आदमी का चिंता, आदमी की बेचैनी क्लास वन से लेके आखिर तक खत्म ही नहीं होती, क्योंकि आदमी शिक्षा और शिक्षा में डूबा है। मैं शिक्षा का विरोध नहीं हूँ, शिक्षा बहुत जरूरी है, पर जीवन में एक समय ऐसा आना चाहिए जब शिक्षित लोगों को विद्या का अर्थ समझ में आए और विद्या गुरु देते हैं, शिक्षा शिक्षक देते हैं, इसलिए गुरु का महत्व राम इसको जानते थे। इसलिए राम ने अपने जीवन में शिक्षा भी ली और विद्या भी ली और उसका महत्व हमको समझाया है जो हमें समझना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम के आचरण से आज हम उन गुरुओं के जीवन में प्रवेश करते हैं जो भगवान के गुरु है। देखिए भगवान के पहले गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने भगवान को ज्ञान दिया, सैद्धांतिक ज्ञान, जो शास्त्रों का ज्ञान, संस्कारों का ज्ञान, मनुष्य का आरंभ। इसीलिए लिखा गुरु ग्रंथ गए पढ़न रघुराई। पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम भेजे जाते थे, राजा के बच्चे थे इसलिए उनको भेजा। अल्पकाल विद्या सब आई, बहुत जल्दी सारी विद्या लेनी हो, पहले बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता। ये परंपरा थी, भगवान राम पढ़ने राजा के बेटे थे, क्या दिक्कत थी? उनके घर में ट्यूशन पढ़ाने आ जाते वशिष्ठ जी को दिक्कत थोड़ी थी, पर पहले गुरुकुल की परंपरा थी। हम और आप तो बड़े बूढ़े हो गए, पर आप इस आश्रम में क्यों आए? आप गुरुकुल की परंपरा का निर्वाह है, आप चल के गुरु में गुरुकुल में आप में से खाली नहीं जाएंगे, आप शायद वो सब लेके जाएंगे जो वशिष्ठ के आश्रम से श्री राम ले रहे होंगे, क्योंकि गुरुकुल की रज रज में, गुरुकुल के कण कण में मोक्ष और दिव्यता बसती है, इसलिए आदमी आश्रम आता है। ये कोई क्लब तो है कि आ गए घूम फिर के चले गए, मॉल भी नहीं है यहाँ की तरफ तो क्या, लेकिन आज वो गुरुकुल में आता है, गुरुकुल की परंपरा। तो भगवान गए और वशिष्ठ जी ने उनको सारी शिक्षा दी, और वशिष्ठ जी ऐसे गुरु थे जो थे तो अवध के राजपुरोहित, लेकिन तुलसीदास जी ने उनको केवल राजपुरोहित नहीं लिखा, उनको कुल गुरु लिखा। केवल पुरोहित नहीं थे वो अवध के कुल के गुरु थे। तुलसीदास जी उनकी कक्षा को ऊंचा करते हैं, केवल राजपुरोहित नहीं थे। और इसीलिए दशरथ जी के निधन के बाद भरत जब तक ना आए राम जा चुके थे, और भरत जब आए तो भरत ने कहा मैं राजगादी नहीं लूंगा, तब तक राजगादी का संचालन वशिष्ठ जी ने किया था। तो केवल पुरोहित थे, वो समय था कि जब राजगादी भी गुरुओं को सौंप दी जाती थी, क्योंकि दशरथ जी तो राजनैतिक राजा थे और वशिष्ठ जी नैतिक राजा थे, ये दोनों में फर्क था। उस समय गुरु का इतना महत्व होता था कि आदमी सर्वस्व निछावर करता था, आपकी आज्ञा से आपके आदेश से राज सत्ता चलेगी। अब
वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को एक बहुत सुंदर बात सिखाई, बड़े काम की हमें सीखना चाहिए, जो हर गुरु अपने शिष्य को सिखाता है। मनुष्य का एक निजी जीवन होता है और उसका एक दूसरा जीवन व्यावहारिक जीवन होता है। मनुष्य अपनी निजता में जीता है और अपनी सामाजिकता में जीता है, दो जीवन। निजता में जीने का अर्थ भीतर उतर के अपनी आत्मा में जीना, अपने व्यक्तित्व को आध्यात्मिक बनाना, और दूसरा अपने व्यक्तित्व को सामाजिक और व्यवहारिक बनाना। ठीक बात भी, हम लोग सब ग्रस्त हैं तो हमको दुनियादारी भी चलाना है और भीतर का अध्यात्म भी जीवित रखना, क्योंकि परमात्मा वहीं से मिलेगा, और इन दोनों के संतुलन का नाम ही जीवन प्रबंधन है। तो वशिष्ठ जी ने श्री राम को एक बात सिखाई कि श्याम राम तुम अपनी निजता में भी जीना और अपनी व्यवहारिकता में भी जीना, और दोनों बातें राम ने सीखी। और इसका उदाहरण है कि भगवान श्री राम को जब ये कहा गया कि आपको वनवास जाना है तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना व्यवहारिक गुण है, लेकिन राम ने अपनी निजता नहीं खोई, उनके भीतर का जो अध्यात्म था वो जीवित रहा। इसीलिए जब राम वनवास को गए तो वनवास के निर्णय को उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया, क्योंकि वो अपनी निजता में ही आनंद मनाना चाहते थे, उनको कोई कष्ट नहीं था। वो बहुत ही हंसते हंसते चले गए, बड़े आराम से चले गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब भगवान श्री राम जाने लगे तो अपनी माँ कौशल्या के पास जाके उन्होंने शब्द कहा, कह तो सकते थे कि मुझे वनवास दे दिया गया है माँ के लिए, लेकिन जो लोग निजता में जीते हैं, जिनके ऊपर गुरु की कृपा होती, उनके देखने की दृष्टि बदल जाती। बहुत बारीक बात है, पर ध्यान से सुनिए। अपनी माँ कौशल्या से जाके श्री राम क्या कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजु, माँ पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया, ये नहीं कहा वनवास दे दिया है। एक राज्य भरत चलाएगा, दूसरा राज्य राम चलाएगा। देखने की दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है। फिर राम देखिए किस दृष्टि से अपनी माँ से बात कर रहे हैं, पिता दीन मोहि कानन राजु और जन सब भांति मोर बड़ काजु, माँ वहां मेरे सारे काम बहुत अच्छे से निपट जाएंगे। और सचमुच राम वनवास में गए होते तो आज लोक नायक नहीं होते, केवल अवध के राजा ही हो गए। कितनी बड़ी बात है, ये आदमी की निजता में जीने से दृष्टि बदल जाती है। वही राम अपनी माँ से नहीं कह सकते थे मुझे वनवास दे दी, पर ये हमें समझने की बात है, वशिष्ठ ने उनको सिखाया था। इसीलिए जब राम जी को सुबह राजकिला होने वाला था, ऐसा कहते हैं रामचरित मानस में चौपाई आई है, वशिष्ठ जी श्री राम जी के पास गए और उन्होंने श्री राम से कहा सुबह तुम्हारा राजकिला होने वाला है तो आज की रात को एक काम करना, राम कर्म सब संयम आजु, राम आज की रात संयम पालना, क्योंकि कल तुम्हारा राज तिलक होने वाला है, जो विधि कुशल निभाए काजु, ये विधाता सारे काम अच्छे से कर ले तो तुम आज रात को संयम पालना। कल जिसको राजगादी मिलने वाली हो उसको आज ये सिखाया जा रहा है राम राज्य में, राम कर्म सब संयम। हमारे यहाँ तो राजगढ़ में कोई सबसे पहला काम लोग संयम ही छोड़ते हैं, लेकिन रामराज जी कह रहा है संयम पालो, जब तक तुम संयम ही नहीं हो तुम सत्ता पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। और याद रखिए, हम अगर आध्यात्मिक सत्ता पर बैठना चाहें, कल यदि आप चाहें कि आपके हृदय की राजगादी पे भगवान का विराज हो, भगवान का राज्य हो, तो सबसे पहला काम करिए संयम पालिएगा। बिना संयम के भक्ति जीवन में नहीं घटती, और संयम पालना बहुत कठिन काम, आसान शास्त्र के में संयम पालन वाले लोगों से कोई चाय को छूटता नहीं, कोई तंबाकू छूटता नहीं, बातें करना नहीं छूटती, निंदा करना नहीं छूटती, तो संयम कहां से पाले आदमी, नींद नहीं छूटती, ये भी बड़ा कठिन काम है आज के समय में, संयम कहां से पाले। तो भगवान अपनी माँ के पास जाके क्या बोलते हैं, कौशल्या को प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहते हैं माँ पिता दीन मोहि कानन राजु, बस जीवन की दृष्टि बदल जाएगी। तो यदि आप और कोई संयम न पाले तो राम जी से एक बात तो सीख ही सकते, जरा मुस्कुराइए। अरे तो आप भूल गए, इतनी देर में भूल गए, जरा मुस्कुराइए। देखिए भगवान को कल वनवास मिल गया, आज मुस्कुराते हुए पहुंच गए भगवान। भगवान सबसे बड़ी बात यही कहते हैं, जो मुस्कुरा सकता है वही संयम कर सकता है, और यदि आप मुस्कुराए तो आपके जीवन के आगे संयम तो यूं घट गए, आप मानते चलिए। इसलिए जब भी अवसर आए सुबह मुस्कुराइए, शाम मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए।
तो वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को दृष्टि दी थी कि भगवान श्री राम अपनी उस दृष्टि से सारे दृश्य बदलते भगवान। इसलिए हमारे जीवन में गुरु क्या करता है, भगवान श्री राम वशिष्ठ जी उनके गुरु से सीखा कि अगर गुरु जीवन में आता है तो घटनाओं को देखने की हमारी दृष्टि बदल जाएगी। गुरु बड़ी कृपा। आइए भगवान के दूसरे गुरु थे वशिष्ठ जी के बाद भगवान के दूसरे गुरु थे विश्वामित्र जी। वशिष्ठ जी ने यदि श्री राम को सिद्धांत सिखाया था तो विश्वामित्र जी ने श्री राम को व्यवहार सिखाया था। ये दोनों बातें जीवन में थ्योरी और प्रैक्टिकल। और आपने सुना होगा विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार में आए, उन्होंने कहा राक्षस लोग हमको बहुत परेशान करते हैं, तो दशरथ जी आप ऐसा करिए भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को हमें सौंप दीजिए। थोड़ा दशरथ जी दुखी हुए, बूढ़ेपन में तो मुझे पुत्र मिले और आप इनको ले जा रहे। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ की रक्षा के लिए राक्षस लोग हमारा यज्ञ ध्वंस कर देते हैं, तो तुम इन दोनों राजकुमार को हमें भेज दो। तुम और ऐसा कहते हैं वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि दशरथ जी विश्वामित्र जी आपके पुत्र लेने आए हैं, आप इन्हें पुत्र सौंप दो। रोमला तो उन्होंने कहा कि जिन यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र मांगे जा रहे हैं, नाम तो तुम्हारे पुत्र यज्ञ से ही पैदा हुए हैं, तो यज्ञ से पैदा हुए पुत्रों को यज्ञ की रक्षा के लिए दे दो। और उन्होंने दे दी। तो कभी कभी संत महात्मा हमसे कोई ऐसी बात मांग लेते हैं कि फिर हम बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जो दशरथ विचार दशरथ जी को चिंता होया तो हमको हो जाए तो कोई चिंता नहीं पाओ, पर गुरु पास में बैठे तो गुरु समझाते हैं कि देखो जिसको तुम मेरा मेरा कह रहे हो तो परमात्मा ने दिया, एक दिन वो ले लेगा, उसको दे दो। तो दोगुना करके लौटाए और जैसे ही पता लगा तो कौशल्या माँ और माताओं ने कहा ये क्या मेरे बच्चे लेने जा रहे हो आप। तो गुरु ने एक बहुत प्यारी बात उनसे कही कि अगर गुरु को अपनी संतान सौंप दोगे, गुरु को अपनी संपत्ति सौंप दोगे, गुरु को जो भी दोगे एक कायदा वो डबल होके वापस आता है। तो इन्हें कहा इसमें क्या डबल होके आएंगे बच्चे, तो पता लगा गए तो सीता को लेके आ। विश्वामित्र जी ने ना जनकपुर धनुष युद्ध कराया तो गए तो बेटे थे अकेले और लेके बहू को लेके आ गया, एक के साथ एक फ्री की स्कीम। ये सिर्फ गुरु कर सकता है। अगर आप गुरु को कुछ देंगे तो गुरु आपको डबल करके देगा। कभी कंजूसी कभी कृपणता मत रखिएगा, गुरु को सर्वस्व सौंप दीजिए, गुरु को हरित करके देता। राम गए और सीता हो गया, ये सिर्फ गुरु की कृपा थी। तो विश्वामित्र जी लेके चले और राम उस समय युवा थे, क्या राम का यौवन और जवानी में गुरु की बड़ी जरूरत पड़ती है। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि मनुष्य का मन उस समय स्वप्न गंध में वक्त परिवर्तनशील होता है। युवा जवानी तो टचली नॉट होती ना, जवान आदमी को समझा के देखो उल्टा आ जाए आपके ऊपर। हम तो अपने घरों में बच्चों को देखते बड़ी मुश्किल से कोई बात समझाते हैं, ज्यादा समझाओ तो सारी समझ आपकी उल्टी आ जाए। बड़ा मुश्किल है जवानी को कुछ समझाना, और जवानी किसको नहीं चढ़ी, पर सचमुच उसकी चढ़ गई जिसको गुरु मिल गया। तो युवा अवस्था में गुरु का प्रवेश हो ही जाना चाहिए। प्रतीक्षा मत करिए कि रिटायर होने जब मिलेंगे किसी से मंत्र, नहीं किसी समय लीजिए जब ताजे हो। राम जी के जीवन में राम युवा थे, विश्वामित्र जी का प्रवेश हो गया और विश्वामित्र जी राम जी को लेके चले हैं। पग पग पे राम के मन में जो कौतुक जो प्रश्न आते थे वो विश्वामित्र से राम जी पूछते थे, ऐसा क्यों करना, वैसा क्यों करना, क्यों ऐसा किया जाए। और सच बात है, एक बात याद रखिएगा, गुरु को हम क्या देते हैं, गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं, गुरु हम गुरु को अपने दायित्व सौंप देते हैं। एक काम करते हैं सबसे पहले गुरु जी बनाए तो गुरु को हम समर्पण नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम गुरु को समर्पित हो, पर हम ये कहते हैं गुरु महाराज अब आप हमारे गुरु बन गए तो समर्पण तो दूर, पर आप हमारी जिम्मेदारी उठाइए, ध्यान रखिए हमें कोई गड़बड़ ना हो जाए।
पीछे मोड़ा। हमने कई बार ऐसा भक्तों को देखा, गुरु जी तो आजकल बहुत परेशानी चल रही, ध्यान नहीं लग रहा, भक्ति में मन नहीं लगता। तो गुरु जी पूछते तो बोले फिर आप क्या कर रहे हो संसार भर के गुरु के सामने पहुंच जाओ तो गुरु जी कर रहे हैं। तो आदमी क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी अपने उत्तरदायित्व गुरु को सौंप देता है। एक बात याद रखिएगा, गुरु सिर्फ आपके हाथ में एक दिया दे के ये कहते हैं मैंने तुझे दिया दे दिया है, अब इस रोशनी में मार्ग तुझे देखना है। याद रखिएगा, मैं तेरे हाथ में दिया मत दूंगा। गुरु आपको मार्ग नहीं बताएंगे, गुरु आपको बोध देंगे। तुझे ये बोध दिया, अब मार्ग तू चल। मैं तुझे शक्ति दे दूंगा, चलना तुझे पड़ेगा। मैं तुझे आचरण नहीं दे सकता, मैं तुझे ज्ञान दे सकता हूं, उससे आचरण तुझे चुनना पड़ेगा। पर आदमी करता उल्टा। हम लोगों को क्या है, रेडीमेड की आदत। गुरु जी को रेडीमेड पैकेज दे दो, आप लंबा चौड़ा मत। आदमी गुरु पीछे पड़ा। आप समझिए, गुरु मनुष्य के जीवन में उसको बोध देगा, गुरु आपके जीवन में प्रेम डाल देगा। अब उससे समर्पण और भक्ति आपको करना पड़ेगा। हाँ, गुरु प्रेम का संचार करेगा। गुरु के पास जैसे मां के स्तन के दूध में संतान को संतुष्टि मिलती है, गुरु की एक सुगंध से भक्त को मिल जाती है। इतना प्रेम बरसाते हैं गुरु जब मनुष्य धन रहता है शिष्य उसका। आप गुरु के पास बैठ जाइए, प्रेम की गंगा है, बस वो आपकी पूंजी है। आपको प्रेम मिल गया, आप प्रेम में नहाइए, आप प्रेम की गंगा में डूब गए। उसके बाद अब आपको भक्ति पैदा करना है, अब आपको अपना जीवन बनाना है। गुरु इससे ज्यादा कुछ नहीं करते, इसलिए कभी भी ये मौका जीवन ये सिर्फ गुरु कर सकता है। गुरु के प्रेम के पीछे शिष्य को परमात्मा घट जाते हैं, बस इसको बचाए रखिएगा। गुरु की प्रेम की गंगा जब आपके ऊपर आए तो अपने मैं होने का, अपनी गलतियों का, अहंकार का दरवाजा मत लगाइए, खोल के रख दीजिए। जो शिष्य गुरु के सामने खुल गया बस उस प्रेम की गंगा में नहा गया, कोई कपाट मत रखिएगा। तो गुरु के सामने, विश्वामित्र जी के सामने राम खुल गए। राम छुप छुप बात पूछते हैं और विश्वामित्र जी ने कहा सारी विद्याएं राम को दे दी। और जैसे ही ताव का सामने आई तो राम जी ने देखा और राम जी ने कहा कि अब इसका वध करना है। विश्वामित्र बोलते हैं इस ताव का को मारना है। देखिए आप बड़ी गहन बात आ रही है, क्षत्रियों का सिद्धांत है कि वो स्त्रियों पे वार नहीं करते, और राम जैसे क्षत्रिय, भगवान श्री राम जैसे क्षत्रिय स्त्री को मार दें। पर ताव का सामने आई और जरा आप देखिए, भगवान श्री राम के अवतार कार्य का श्री गणेश होने जा रहा था। आज भगवान अपने अवतार कार्य का पहला आरंभ कर रहे थे और सामने स्त्री आ गई। भगवान को लगा ये क्या है। विश्वामित्र जी ने श्री राम से पूछा, श्री राम अब क्या करना है। पर विश्वामित्र जी श्री राम को सिखा चुके थे, अगर अपराधी की स्त्री हो या पुरुष, इसमें भेद नहीं करना। स्त्री अपनी सौम्यता, अपनी शांति, अपनी दिव्यता, अपनी ममता के लिए जानी जाती है, और तारका ने ये सब छोड़ दिया है। इसलिए तो भगवान श्री राम ने कहा मेरे लिए स्त्री हो या पुरुष, यदि वो अनुचित है, अपराधी है, तो मैं उसको मार डालूंगा। और ये दृष्टि गुरु ने दी थी। और भगवान श्री राम के अवतार कार्य का श्री गणेश एक स्त्री के वक्त से हुआ। आप देखिए हमारे दोनों अवतार में अपने अवतार कार्य का श्री गणेश स्त्री को मार के किया। कृष्ण जी को पूतना के लिए मेरे को ताव का मिले। लेकिन बताया ये गया है कि जो भी कोई अपने आचरण से गिर जाएगा परमात्मा उसको भेद नहीं करेगा। भगवान के लिए स्त्री पुरुष का भेद नहीं, भगवान को भक्त का नाता जानता। मेरा भक्त अपने आचरण में है तो मेरे प्रिय अपने को दंड देता है। इसलिए विश्वामित्र जी से उनको ये दृष्टि देखी, वशिष्ठ जी से दृष्टि प्राप्त हुई, भगवान ने पूरे वनवास को बदल दिया। आज अपने अवतार कार्य का श्री गणेश कर रहे हैं, विश्वामित्र जी उनको सारे व्यवहारिक ज्ञान सिखा रहे हैं। और एक और घटना विश्वामित्र जी जैसे गुरु भगवान श्री राम के जीवन में दे रहे हैं। अभी सब चले तो विश्वामित्र जी के साथ ही भगवान के जीवन में तीन स्त्रियां आई। पहली तावकाई माता, दूसरी अहिल्या आई तारा, और तीसरी सीता जी आई धनुष के अपना। एक को मारा, एक को तारा, एक को सीता। भगवान चले गुरु, गुरु जीवन में क्या देता है देख लिया। गुरु जीवन में दुर्गुण तारा के रूप में आई, समाप्त
करा देगा, फिर आपकी समाज सेवा आपकी करुणा के रूप में अहिल्या को तार देगा, गुरु करुणा पैदा करेगा आपके भीतर। और फिर गुरु कहता है जाओ गृहस्थी बसाओ, जाओ अपने जीवन के दायित्व को पूरे करो, सीता आपके जीवन में आएगी। गुरु आपके दायित्वों को पूरा कराता है। धनुष युग में सब बैठे हुए थे, आप राम कथा सुनिए, सारे के सारे लोग धनुष उठा रहे, राजाओं से धनुष नहीं उठ रहा, बड़े बड़े राजा आ गए किसी से धनुष नहीं उठ रहा। सीता जी घबरा रही, सीता जी बोल रही इतनी देर क्यों लगा रहे, भगवान खड़े क्यों नहीं होते, राजा लोग तो जबरदस्ती जिस अपना नंबर लगा लगा के खड़े हो जाए, हम धनुष तोड़ ले, हम धनुष तोड़ ले, किसी से छूटता नहीं। और सीता जी एक से एक बलवान को आगे देखे तो सीता जी को लगता कि ये लोग खा ले, रावण आया तो सीता जी को फिर जीतता भी, और राम बार बार सीता जी राम जी को देखो, राम जी को कोई फर्क नहीं पड़े, बैठे गुरु जी के पास। अरे सीता जी ने बोला तू एक हाथ उठा तोड़ देगा तो मुश्किल हो जाएगा, पर राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ रहा राम जी को फर्क, गुरु के पास में बैठे निश्चिंत है, गुरुदेव है ना साथ में, दुनिया का कुछ नहीं होने वाला। हम लोग यूं ही बेचैन होते हैं जैसे सीता जी हो रही थी, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गुरु साथ में बैठ रखो, गुरु कृपा गुरु आशीर्वाद मनुष्य को शांत बनाती है, मनुष्य को निश्चिंत बनाती है। और उसी समय जब सब लोग पराजित हो गए, कोई धनुष नहीं उठाया, तब भगवान श्री राम ने भगवान श्री राम को उनके गुरु विश्वामित्र ने देखा और तब वो कहते उठो राम भंजन भव जावा, अरे राम शिव के इस धनुष को तोड़ दो, मैं ते उतात जनक परिताता, जाओ इसको तोड़ दो मेरी आज्ञा। देखिए बड़े सूत्र की बात, भगवान चले, भगवान ने जैसे विश्वामित्र जी की बात सुनी, सुन गुरु वचन चरण सिरु नाना हर्षु विशाल कछ उनका, प्रणाम किया, जब उठे तो हर्ष था ना विशाल था, और उठे कैसे, जब उठते हैं तो प्रणाम करते, सुन गुरु वचन चरण सिरु नाना, सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रणाम किया और फिर आगे चले, हर्ष है विशाल। बड़ी सूत्र की बात हमने कहा, गुरु ने आज्ञा दी चलो, भगवान श्री राम ने एक बात बताई, मैं करने वाला कौन, इसको कहते हैं निष्कामता, करने वाला तो परमात्मा है, जिस दिन हमारे भीतर हमारे कर्ता होने का बोध समाप्त हो जाए और हम कर्ता होने का बोध भगवान को दे दें, गुरु को दे दें, तो श्री राम ने क्या किया, चुपचाप बैठे जब तक गुरु ने नहीं कहा, और जैसे ही गुरु ने कहा तो भगवान ने कहा गुरु की आज्ञा करता है मैं तो निमित्त हूं, करने वाला तो गुरु की आज्ञा है, इन्होंने दी तब मैंने किया, गुरु को इतने समर्पित थे कोई हर्ष नहीं कोई दुख नहीं, चले और धनुष उठा के तोड़ दिया। तो गुरु की आज्ञा गुरु की उपस्थिति हमारे जीवन में क्या बता सकती है क्या कर सकती है, बस यही सबसे महत्वपूर्ण है। आज श्री राम ने बताया अपने कर्ता भाव को गुरु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और आपने सुना होगा भगवान श्री राम ने यही एक घटना घटाई, सब लोग उस धनुष को बीच में से पकड़ लेते, सब लोग जितने लोग राजा आए वो सब बीच में से पकड़ के उसको तोड़ने की कोशिश करते, और ये शिव जी का धनुष था और ये धनुष अहंकार का प्रतीक था, तो अहंकार को बीच में से तोड़ा जा सकता है। एक पर भगवान श्री राम आए तो उन्होंने बीच में से नहीं उठाया, भगवान श्री राम ने दोनों तरफ से उठाया, एक तरफ अपना पुरुषार्थ दूसरी तरफ परमात्मा की कृपा, और ये दोनों मिली के अहंकार टूटा, और अगर बीच में से ही पकड़ोगे तो फिर अहंकार से अहंकार कभी नहीं टूटता। तो शिव धनुष अहंकार का प्रतीक था, भगवान श्री राम ने तोड़ा, दो ही तो धनुष रहे, कृष्ण जी के समय कंस का धनुष था, कृष्ण जी जब पहली बार मथुरा में गए तो सबसे पहले कंस ने उनको आमंत्रित किया धनुष, तो कंस चाहता था मेरा धनुष टूटे नहीं और कृष्ण जी ने तोड़ दिया, और जनक चाहता था टूटे और भगवान ने अलग तरीके से तोड़ा, दोनों अहंकार के प्रतीक थे, पर एक अहंकार कल्याणकारी होता है, एक अहंकार के टूटने से दूसरों का कल्याण होता है और एक अहंकार टूटने से दूसरों की हिंसा हो जाती है, ये कंस और जनक जी के धनुष का पाप है। इसलिए गुरु को दृष्टि देते हैं, गुरु की उपस्थिति मनुष्य को बहुत पर, गुरु की उपस्थिति से आप परमात्मा के नेकट के प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम तीसरे गुरु भरद्वाज जी के पास चलते हैं, भगवान का वध होने वाला, इतनी तीव्रता इतनी ललक और तड़प केवल गुरु कृपा से मिलती है। एक बार एक आदमी ने कहा किसी संत से कि भगवान हमको कैसे मिले,
ने कहा कि तुम्हारे भीतर से तड़प नहीं आएगी। बोले ये तड़प क्या होती है, गलत।